जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बलम के हवाले में बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद बलम को आप पूरी तरह समझ जाएंगे। बलम के टोकन की बैंक सेलिंग भी इस टाइम मार्केट के अंदर हो रही है, किस तरीके से हो रही है ये भी आपको बता दूंगा। बलम एक ऐसा ब्रांड है जिसको आप अभी सुनेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम ये आज की वीडियो में जो बताने वाला हूँ वो आप याद रखेंगे, देखिएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बाद में जलाल में आऊंगा और जो चीजें मैं बता रहा हूँ ऑथेंटिक है, बिल्कुल ग्लेब जो है बलम का सीईओ है उसकी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक दोस्त है, उसका मीटअप हुआ है उनके साथ, तो मैंने उनके साथ जो है गपशप की, तो उनसे जो है मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे इस हवाले से जो है कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। इनका भी बिनांस का जो है वो सेशन चल रहा था जिसमें जो है ग्लेब को इन्वाइट किया गया था, जो सीजी है बिनांस का सीईओ है उसने ग्लैब को उसमें इनवाइट किया, क्योंकि ये आपस में इनकी आपस में जोड़ी बनती है, तो जिस वजह से जो है ये एक दूसरे के करीब है। बलम एक आने वाले वक्त में एक एक्सचेंज होगी, बलम की लिस्टिंग के हवाले से, प्राइस के हवाले से, इनके आने वाले वक्त में इनके क्या प्लान है वो सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करके आल पे क्लिक करें, व्हाट्सएप चैनल को भी लाजमी फॉलो कर लें जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। एक्टिव रहें, आपका फायदा ये सारी चीजें जो भी आपको मिलेगी ग्रुप के अंदर या यूट्यूब के ऊपर ऑथेंटिक मिलेंगी, इसी वजह से आपको कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपका फायदा फ्यूचर में फ्री क्रिप्टो से आप बहुत कुछ गेन कर पाए, ठीक है। आने वाला वक्त इसी चीज का, आज आप छोड़ के चले जाओ मसला नहीं है, कल को आपको इस फील्ड के अंदर आना पड़ेगा। 2025 में हो आप, 2026 में हो आप, 2027 में या 2030 में, बट जो भी आपकी एज है आपको इस फील्ड में उतरना पड़ेगा एक ना एक दिन। बेहतर है आज ही आ जाओ इस फील्ड के अंदर, समझो इसको, मुझे फॉलो करो, यूट्यूब पे फॉलो करो और मुझे जो है व्हाट्सएप के ऊपर फॉलो करो। हर चीज आपका भाई आपके साथ भाइयों की तरह बात करता है, बताता है। सो दैट यहां पर मैं आपसे बात करूंगा बलम के हवाले से। बलम है क्या? सबसे पहले सवाल यह है कि बलम है क्या? देखें, बलम एक आने वाले वक्त में बनने जा रहा है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर जो है यहाँ पे बाइंग सेलिंग होगी। इस टाइम जो हो रही है वो एक अलग हो रही है, वो भी आपको बता दूं, इसके ऊपर बाइंग सेलिंग होगी मीम्स टोकन की। ये खुद को जो है ऐसा करने जा रहे हैं कि यहाँ पे मीम टोकन जो है वो बाइंग सेलिंग जो है इनकी हो सके। अब जी दोस्त मेरा इनसे पूछता है कि आप जो है इसको कब जो है लॉन्च करने वाले हैं। नंबर उनका वन सवाल था, उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया, लेकिन उन्होंने जो डेट दिया वो मैं आपको बता देता हूं, कोई वो लंबी चौड़ी डेट नहीं है। उन्होंने बोला है कि क्वार्टर फोर, लेकिन जितना भी उन्होंने जतन किया उन्होंने डेट नहीं बताई कि हम जो है डेट नहीं बता सकते। अगर हम आपको कंफर्म डेट बता देते हैं, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, लॉन्ग सिस्टम है जिसको हम जो है पिलर पे खड़ा कर रहे हैं और काफी लोग जो हमारी टीम है वर्क कर रही है, हो सकता है जो हम आपको डेट बता दें जो हमने एक्सपेक्ट की हुई है उस डेट को हम लॉन्च ना कर पाए, एक दो तीन या हफ्ता हम लेट हो जाए, बट जो स्टिल आपको जो डेट दे रहे हैं वो डेट थी क्वार्टर फोर। फोर क्वार्टर के अंदर जो है इन्होंने लॉन्च करना है हर सूरत में क्वार्टर फोर। अब क्वार्टर फोर क्या है कुछ लोगों को नहीं पता होगा, आखिरी तीन महीने जो कि नौवां दसवां नहीं दसवां ग्यारहवां बारहवां, ये जो तीन महीने हैं ये क्वार्टर फोर है। इन तीन महीनों के अंदर जो है आपका बलम लॉन्च हो जाएगा और आपको ये प्रॉफिट भी देगा। अब बलम है क्या? ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, इसके ऊपर बाइंग सेलिंग जो है मार्केट के अंदर, टिकटॉक पे आप देखो, यूट्यूब पे देखो। मेरे साथ एक बंदा जो है वो आता है वो कोलैब करवाने के लिए, कि आपकी कम्युनिटी है टेक के रिलेटेड, बलम के ऊपर भी आप वर्क कर रहे हैं, आप एक वीडियो बना दे, ये वेबसाइट है इस पे जाके लोग जो है बलम की बाइंग सेलिंग करें। आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि बलम जो है सेल बाय भी हो रहा है, वो कोलैब है। वो मुझे कह रहे थे आपको $200 पे करेंगे, मैंने $200 नहीं लिया। अगर मैं वहां पे जो कोलैब कर लेता आपको वो लिंक प्रोवाइड कर देता, वहां पे आपके अकाउंट हैक हो सकते थे, तो मैं अपना फायदा वहां पे देख लेता कि मुझे जो है तकरीबन 1-1.5 लाख जो है फ्री में आ रहे हैं, तो मैं ना छोड़ू। लेकिन मैं आपके साथ जो है अच्छा हूं, आप मेरे साथ अच्छे हैं। आज मैं आपके साथ कर दूं धोखा, कर दूं स्कैम, कर दूं, बलम के आने वाले वक्त में वैल्यू है। बलम अगर एक्सचेंज बन रही है, अब देख लो आप बिनांस है ना, बिनांस का टोकन है बीएनबी, बीएनबी का सिस्टम रेट क्या है आप खुद देख लो, ओकेएक्स का अपना टोकन है, बलम का अपना टोकन बलम है, तो मैं आपके कैसे भाई नुकसान करवा दूं? मैं अपना 1-1.5 लाख, वो मेरा एयर ड्रॉप यहां से निकलेगा, मैं उम्मीद करता हूं इतना मेरा आ जाएगा, मुझे थोड़ा है ज्यादा है वो यहां से मैं ले लूंगा, मैं वहां से मुझे लेने की उनसे जरूरत नहीं थी।
तो ये था तरीका, जो बाइंग सेलिंग मार्केट में हो रही है वो फेक है, लेकिन इसकी बाइंग सेलिंग बहुत जल्द होने वाली है। आपको पता है यहाँ पे मीम पैड भी यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, जो कि निशानदेही ये करता है कि ब्लम की यहाँ पे स्वैपिंग होगी, बाइंग सेलिंग होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने ये बोला लिस्टिंग के हवाले से, जब इनसे बात हुई तो ये कहते हैं यार टैप टू अर्न तो हमारा प्रोजेक्ट है नहीं, हम जो जब दिल करे हम पकड़ के उसे लॉन्च कर दें, हमारा एक प्रोजेक्ट एक्सचेंज है जिसको हमने एक्सचेंज बनाना है, इसमें बहुत ज्यादा हमारी वर्किंग हो रही है और दिन रात हमारी टीम जो है इस पे जो है वर्किंग कर रही है। तो इसमें जो है इन्होंने ये भी बोला है कि हम इसमें ब्लॉकचेन ऐड करेंगे, लाइक इथेरियम की ब्लॉकचेन, पॉलीगोन की ब्लॉकचेन, अच्छा सुलाना की ब्लॉकचेन, इसके अलावा बहुत सारी एक्सचेंज जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ताकि जो है जब टोकन की बाइंग सेलिंग और यहाँ पे स्वैपिंग हो तो उनको मसला ना आए, यहाँ पे ब्लॉकचेन हम ऐड करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन करने में मसला आ सकता है अगर यहाँ पे ब्लॉकचेन ऐड ना हो तो ट्रांजैक्शन कैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी इसकी लिस्टिंग का आप कंफर्म डेट जो है वो दिसंबर के अंदर कंफर्म, ये समझ लो कि 2025 से पहले पहले ये लिस्ट हो जाएगा और ये एक आपको तगड़ा प्रॉफिट देगा। मैं वक्त से पहले आपको एक हिंट देना चाहूंगा, ब्लम टाइम पे आपने सेल कर देना, जब ये लॉन्च होगा उसी टाइम आपने एक सेकंड भी वेट नहीं करना, उसी टाइम आपने 5-10 मिनट पहले ओपन करके बैठ जाना है, जहां पे भी सेल होगा, ये किसी एक्सचेंज में सेल हो, ये ब्लम के अंदर सेल हो, ये जहां पे भी सेल हो। आवाज चेक करो अगर इस तरह से आती है तो आंदा इस तरह करके बैठूंगा। तो जहां पे भी आपने सेल करना है आपने इनको सेल जो है लाजमी कर देना है, उस टाइम आपने सेल कर देना है, फिर आपने इसको देखते रहना है जब भी इसका रेट कम हो, लाइक आपको आज जो है आप ये मेरे 40,000 ब्लम है ना, इसमें से मुझे आ जाते हैं $70, ठीक है, एक मिसाल दे रहा हूं, यहां से 40,000 में से अगर मुझे $70 मिलते हैं मैं उसी टाइम फड़का दूंगा, इनको सेल कर दूंगा, सेल करने के बाद फिर मैं वेट करूंगा जब इसका रेट कम हो जाएगा। अब ये 40,000 टोकन है ना, मैं जब बेचूंगा, लाइक ये 40,000 टोकन मैं बेचता हूँ, 40,000 जब बेचूंगा मुझे $70 मिलेंगे, जब इसका रेट डंप हो जाएगा फिर मैं $70 के लूंगा, फिर मुझे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख ब्लम मिल जाएंगे $70 के अंदर, उनको फिर मैं होल्ड रखूंगा और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड रखूंगा, बाय करके भूल जाऊंगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, वक्त पे फिर बंदा नहीं बता सकता, जो फिर एक्साइटमेंट इतनी होती है इनकी तरफ से, जो गुड न्यूज आ रही होती है बंदा भूल जाता है, ये चीज मैं पहले बता दूं। जो भी मेरी ऑडियंस है इस तरह वर्क करें, जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उस टाइम सेल कर दें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर उसको बाय करके रख लो, रख के फिर भूल जाओ, ताकि वो जब पंप करे फिर आपको जो है वहां से डबल ट्रिपल प्रॉफिट हो जाए, अदरवाइज आपने सेल करके निकल जाना है, फिर नेक्स्ट एयर ड्रॉप जो आपको आएगा वो प्रॉफिट देगा। इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप सेल करके फिर बाय करके फिर होल्ड करेंगे तो फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए क्रिप्टो को समझ लेंगे। ये बुल रन अगर आपसे मिस हो जाते तो नेक्स्ट जो बुल रन आएगा उसमें आपको ये बहुत कुछ जो है समझ आ चुका होगा। मैं उम्मीद करता हूं मैं जो बताना चाह रहा था, जो बताया आपको, आप समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।